हेल्थ कार्ड अभी साहिवाल डिवीजन और डीजी खान डिवीजन की सारी आबादियों को पहले ही मिल चुका हुआ है, और उसका आगाज़ जो है वो लाहौर से जो है वो दिसंबर के आखिर में जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि पंजाब की सारे खानदानों को हेल्थ कवर जो है वो देने जा रहे हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने उस्मान बुज़दार साहब ने 60 अरब रुपया उन्होंने अपने सूबाई बजट के अंदर जो है वो रखा हुआ है। उस हवाले से तमाम जो मैकेनिज़म है, जो इंतजाम हैं, उसके ऊपर उनका काम हो रहा है। अब ये नहीं होगा कि किसी का कोई प्यारा, किसी का वालिद, किसी का कोई बाप, किसी की बहन, किसी का कोई बेटा, किसी की कोई वालदा इलाज ना होने की सूरत में या पैसे ना होने की सूरत से इलाज ना करवा सकें। उसके लिए मैं समझता हूँ कि रियासत खुद आगे आ रही है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सारी आबादी को हेल्थ कार्ड मिल चुका है, जिसका मैं समझता हूँ कि तारीफ अब दुनिया के आलमी जरीदे भी कर रहे हैं। कल भी एक बरतानवी अखबार जो टेलीग्राफ है, उसने जो पाकिस्तान का जो हेल्थ कार्ड प्रोग्राम है जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी को मिला है, उसकी उन्होंने जो है वो तारीफ की है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से किसान कार्ड जो किसानों के लिए लेकर आए हैं, और जो महंगाई है इसकी आपको वजूहात मालूम है कि दुनिया के अंदर कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये अक़वामे मुत्तहिदा की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनका डेटा मौजूद है। ब्लूमबर्ग जो है वो एक दुनिया का माना ताना जो है वो बिज़नेस का जो है वो जरीदा है, वो भी इस हवाले से उसने भी बताया महंगाई का इंडेक्स बहुत ऊपर गया है। ख़ास तौर के ऊपर अगर आप चाइना में देखें तो वहाँ पर जो उनकी प्रोड्यूसर प्राइसेज हैं उसके अंदर 10.5% जो है इजाफा हुआ, और 26 साल प्रोड्यूसर प्राइसेज का चाइना के अंदर रिकॉर्ड टूट गया है। इसी तरीके से जर्मनी के अंदर 50 साल प्रोड्यूसर प्राइसेज का रिकॉर्ड टूटा है। इसी तरीके से आप यूएसए के अंदर जो इन्फ्लेशन सामने आई है, बरतानिया में इन्फ्लेशन सामने आई है, पूरी दुनिया जो है वो खाने पीने की अशिया की कीमतों से मुतासर हुई है। आप पेट्रोलियम की वो कीमतें जो पिछले साल $40 फी बैरल पे थी, 100% इजाफा हो गया, $85 फी बैरल के ऊपर पहुँच गई। मौजूदा हुकूमत ने क्या किया, हमने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर अपने टैक्सेस को कम किया। आज पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन फी लीटर जो है वो टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो कि सेल्स टैक्स 8.5 रुपये के करीब है, 5.64 रुपये के करीब। पेट्रोलियम लेवी जो कम तरीन है, जो इसहाकडार कानून बना के गए थे कि आप 30 रुपये तक मैक्सिमम पेट्रोलियम लेवी ले सकते हैं, हम पेट्रोलियम लेवी भी कम ले रहे हैं। और शायद खाकान अब्बासी को ये बात एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर मानना पड़ गई कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हुकूमत अगर पूरी पेट्रोलियम लेवी लगा दे, सेल टैक्स लगा दे, तो पेट्रोल जो है वो 160 रुपये पर पहुँच जाएगा। तो अब भी हम खित्ते में जो है दुनिया में बहुत सारे ममालिक से पेट्रोलियम की कीमतों में हम कम हैं। खुर्दनी तेल जिसमें हम खाना पकाते हैं उसकी कीमतों में भी 110% इजाफा हुआ। $500 पर टन वाला जो घी है वो आपका $1200-1300 के ऊपर पहुँच गया। उसकी कीमतों में भी पाकिस्तान में कमी लाने के लिए हमने जो घी मिल एसोसिएशन है उसके साथ हमारी टीम काम कर रही है, और हम अपने टैक्सेस में कमी करके 40 से 45 रुपये किलो अवाम को जो है उसके अंदर जो है वो रिलीफ देने जा रहे हैं। ये वाहिद हुकूमत है जिसने 2020 जनवरी से ये सितंबर 2021 तक 34 अरब रुपया रिकॉर्ड सब्सिडी हमने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर दी है। फिर ये हमारे पर तनकीद करें कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, तो मैं इनसे पूछता हूँ ये कौन सी दूध और शहद की नहरें जो है वो यहाँ पर बहा के गए थे। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 साल से ज़रात के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। नवाज शरीफ, जरदारी, इन सब की हुकूमतें रहीं, इन्होंने क्या तवज्जो दी? इनकी तवज्जो तो जाली अकाउंटों पर, पापर वालों पर, फलूदे वालों के ऊपर थी, या बैरून मुल्क फ्लैट्स बनाने के ऊपर थी। आज इमरान खान आए हैं जिन्होंने आके ज़रात पर तवज्जो दी, और आप देखें पिछले साल की बनिस्बत अभी जो हमारी खरीफ की जो हमारी फसल आ रही है इसमें गन्ने की फसल है 25% इजाफा इसमें हो चुका है। आपकी मकई की फसल में इतलात के मुताबिक 18% इजाफा हुआ है, हमारी चावल की फसल के अंदर 18% इजाफा, और कॉटन जो आपको पता है कि हमारी डायरेक्ट टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट के साथ मुंसलिक है, पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है, जो पिछले साल 5.7 मिलियन बेल्स के ऊपर थी, आज वो 9.5 मिलियन बेल्स को क्रॉस करके 60% तकरीबन उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने खास तवज्जो दी है ज़रात के ऊपर। हमारा यूरिया 1700-1800 रुपये में बिक रहा है, हमने फैसिलिटेट किया, गैस के ऊपर सब्सिडी दी, दुनिया के अंदर
वही यूरिया का रेट अगर आप इंपोर्ट करने जाएं तो 7,000-8,000 के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान आज भी उसमें खुद कफील है, हमारे किसान को वो सस्ता मिल रहा है, दुनिया से 5,000 रुपये जो है वो यहाँ पर कीमतें कम हैं। तो हमने ज़रात के ऊपर भी काम किया और हमने मुल्क की बरामदात बढ़ाने पे भी काम किया। कहते हैं जी मईशत नहीं चल रही, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपको याद है जो इसहाक डार मईशत छोड़ के गए थे, मुल्क की एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर के ऊपर खड़ी थी, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर के ऊपर खड़ा था, हमारी जो तरसीलात ज़र थे नून लीग के दौर में वो 18 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद थे, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 1 अरब डॉलर से कम थी। ये 2018 का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। आज आप अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल 25.4 बिलियन के ऊपर थी और उसमें सर्विसेज ऐड कर दें तो ये 31 अरब डॉलर के ऊपर पहुँच जाती हैं। इसके अलावा हमारी जो तरसीलात ज़र हैं वो 29.5 अरब डॉलर के ऊपर गई, और अभी अगर मैं आपके सामने फिगर्स रखूँ पिछले 3 महीने की अपनी मईशियत के, तो हमारी जो तरसीलात ज़र हैं वो 8 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद हैं 3 माह के अंदर, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी 7 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पहले 2 माह के अंदर 7.5% इजाफा हुआ, अगस्त के अंदर जो है वो 12.5% इजाफा हुआ, जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन से जो है वो ज़्यादा है, और वो 1,395 अरब यानी कि हमारा जो अपना टारगेट था उस टारगेट से भी जो है वो हमारी उसमें ज़्यादा है, हमारी जो टैक्स कलेक्शन है इस हवाले से। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये हकायक रखना चाहता हूँ कि हमने फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर बेशुमार इजाफा किया, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को 28% बढ़ाया पिछले साल की बनिस्बत, FBR में हमने 38% जो है वो बढ़ाया है, एक्सपोर्ट्स में 27.5% हमारा इजाफा हुआ है और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 28% हमारा उसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। तो ये वो हमारी मईशियत के इशारे हैं, और जो हमारी ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है, हम मुल्क को एक सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर लेके जा रहे हैं। इनकी तरह क्रेडिट कार्ड मांगे तांगे की ग्रोथ नहीं थी कि उधार ले लेकर कर्ज ले लेकर आप कहें कि आपकी तरक्की हो गई है, तो तरक्की वो है जो आपकी पैदावार बढ़ा के हो, आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के हो। तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुल्क को सही सिमत की तरफ लेके जा रहे हैं, मुश्किल वक्त आया हमारी सैलरीड क्लास के ऊपर, हमारा जो कम वसाइल वाला तबका है, आलमी सतह पे महंगाई बढ़ी है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहा है, हमने उनके लिए फौरी तौर के ऊपर जिस तरह कोरोना के अंदर आपके इलम में होगा कि पूरा पैकेज हुकूमत लेकर आई थी, उसमें हमने कैश फ्राहम भी किया था, उसके अंदर हमने इंडस्ट्री को भी सहारा दिया था। इसी तरीके से इस मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फौरी तौर के ऊपर फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोगों को कैश जो है कार्ड्स के जरिए उनको राशन के हवाले से जो है सब्सिडी फराहम करेंगे। तो ये वो इकदाम हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन का जो एहतजाज आज ये अपना एहतजाज कर रहे हैं, ये किस बात पर एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज इस बात पर ये कर रहे हैं कि ये बेरोज़गार हैं, ये सियासी बेरोज़गारों का टोला है जिनका आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई एहतजाज इन्होंने नहीं किया। 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लोड शेडिंग की इंतहा थी, महंगाई की इंतहा थी, वहाँ पर आटे का बहरान था, नून लीग ने कोई एहतजाज नहीं किया था। फजल रहमान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 13 से 18 नून लीग की हुकूमत में बदतरीन करप्शन हुई, बदतरीन जो है वो गवर्नेंस की हालत थी, पीपल्स पार्टी ने कोई एहतजाज नहीं किया और फजल रहमान नून लीग की कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थे। क्यों इमरान खान ने ना खुद खाना है ना इनको खाने देना है, ना इनको एहतसाब के मामले में इनको कोई NRO मिलना है, लिहाजा ये इधर उधर की टमक टोइयां जो है वो मारते रहते हैं। तो मैं इनको जो सियासी बेरोजगारों से जो है वो तशबीह देता हूँ, इन्होंने जो एहतजाज करने हैं, जुलूस करने हैं, ये अपना शौक पूरा कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जो आवाम का एहसास है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को है, उन्होंने ही आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करना है जिसके लिए हम ये इकदाम ले। पेट्रोल, बिजली, गैस, दालें, चीनी सब कुछ महंगा हो गया, तो जब ये महंगे होते हैं पेट्रोल और बिजली तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाती है। प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं महंगाई पर इजलास करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी करते हैं, हर रोज इजलासों तक रहता है, अमली तौर पर कुछ ऐसा नहीं आ रहा, गरीब तो मर गया। नहीं देखें, जहाँ तक रही बात अमली तौर के ऊपर आपने बात की, जब मैंने आपको कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो हैं वो इंतजामिया का काम है, उस हवाले से भी हम काम कर रहे हैं, दूसरी जानब जो अमली तौर पर इकदाम हैं, अमली तौर के ऊपर जो हम फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं उसकी हमने तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली, डेटा हमारे पास मौजूद है, उसका आगाज़ हम
नवंबर से जो है वो करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर जो है वो सूबा पंजाब शामिल हो चुके हैं। हमने जो है वो सिंध हुकूमत को भी ये कहा है कि 13 साल से आपकी भी हुकूमत है, आपकी भी जिम्मेदारी है। वहाँ पर अगर पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 का है तो सिंध में कराची में वो 1500 रुपये में क्यों बिक रहा है।